जो हन को देखो रेड वाला आलू रेड वाला आलू हाँ। फ्रेंच फ्राइज निकाल ली मैंने, एयर फ्रायर निकाल लेती हूँ क्योंकि इसी में जो है ना फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करेंगे। तो बेक इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। 15 मिनट का टाइम फिक्स करके इसको मैं 130 डिग्री पे फ्राई कर लूँ, ठीक है। इसे थोड़ा पैक करके और फ्रीज में रख देते हैं। जस्ट ग्रीन टी बना के पी हूँ, शिमला मिर्ची चाहिए और दो हरी मिर्ची ले लेंगे। हरी मिर्ची और सॉसेस भी लगेंगी, सॉसेस बाद में निकालूंगी। हरी मिर्ची एंड शिमला मिर्ची, प्याज निकाल लू एक, ये रही प्याज कि मैंने सुबह जो है ना कढ़ी बनाई थी, यही कढ़ी हम लोग रात में खाएंगे। इस कढ़ी के साथ थोड़े से चावल भी बचे हुए हैं। गाइज मैंने दो ले ली शिमला मिर्ची क्योंकि मेरे को लग रहा है कम पड़ेगी, और दो हरी मिर्ची और एक प्याज काफी है। तो मिर्ची को जो है ना मैं इस तरह से एक मिर्ची में दो हिस्से कर दिए, और प्याज भी ऐसी हमें मोटी कट करनी है, यू नो क्यूब्स में, चाइनीज स्टाइल। शिमला मिर्ची की भी कटिंग सेम ही होगी, ऐसा बड़ा बड़ा रखना है। गाइज ये है सोया सॉस, ये है रेड चिली सॉस और ये है शेजवान चटनी। देखिए मैंने कुछ इतना लहसुन लिया हुआ है क्योंकि चाइनीज में लहसुन का फ्लेवर अच्छा आता है, और इसको मैं अपना मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर में चॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से फिट कर लो, और अच्छा बारीक चॉप कर लेना है, ठीक है गाइस, ताकि मुंह में लहसुन ना आए, लेकिन इसका फ्लेवर अच्छा बढ़िया आना चाहिए, खास बच्चों को नज़र नहीं आना चाहिए लहसुन, लेकिन लहसुन डालना भी तो ज़रूरी है, क्या करें। तो देखिए लहसुन ऐसा चॉप हो गया है, गैस को ऑन कर लेते हैं। ये मैंने इस पे रख दिया फ्राई पैन, गरम कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला ऑयल ले लेते हैं, 3 से 4 चम्मच ऑयल के ले लेने हैं मुझे। तेल गरम हो गया, लहसुन डाल दिया। अच्छा मैंने ना लहसुन ब्राउन कर लिया है और अच्छी खुशबू आ रही थी लहसुन की, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसमें वेजेस कटी हुई ऐड कर ली, हरी मिर्ची शिमला मिर्ची और प्याज। अच्छा सॉटे करने के बाद मैंने इसमें जो है ना तकरीबन 1 चम्मच सोया सॉस डाला है और 2 चम्मच जो है ना मैंने चिली सॉस के ऐड किए हुए। अच्छा मैं जो है ना थोड़ा स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि स्पाइसी हम लोग को पसंद है, और बस इसमें मैंने 1 चम्मच शेजवान चटनी का ऐड किया, अगेन नमक डाला और चिली फ्लेक्स थोड़ी सी ऐड की है मैंने, और बस अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने पानी में मिक्स करके रखा है, तो वो भी इसमें डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फटाफट मिक्स कर लेना है, और पतली नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इसमें ना कोई तरह की ग्रेवी नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो पानी मैंने बहुत कम डाला था कॉर्नफ्लावर में, और यहाँ पर एयर फ्राई में जो है ना आलू देखे मैंने अच्छे फ्राई कर लिए हैं। मेरे पास तो फ्रेंच फ्राइज थे रेडीमेड बने बनाए, तो इसके लिए मेरे को और आसान हो गया चिली पोटैटो बनाने के लिए। वैसे आजकल तो फ्रेंच फ्राइज़ घर में भी बना लेते हैं। खैर मैंने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डालने के बाद मैं इसमें ऐड की हूँ वाइट वाली तिल, ठीक है, और बस इसको अच्छे से डेकोरेट कर लिया मैंने तिल से, और ये बहुत बहुत मज़े के बने थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे, हमने जो है ना शाम में इंजॉय किया। और आप भी बनाएं और खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, और बहुत मज़े के लग रहे। ये मैंने तीसरी बार बनाया है, लास्ट टाइम बनाया था मैंने 2 दिन पहला, और उससे पहले बनाया था मैंने तकरीबन 15 दिन पहला, उसके बाद फिर अब बनाया है, तो आज खा के मज़ा आ गया। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो ये नेक्स्ट डे था और मैंने जो है ना गर्म पानी कर लिया था क्योंकि मेरे को पीना था गर्म पानी, और उसमें मैंने ग्रीन टी भी डाली है। और एक एप्पल जो है ना कट कर लूँगी, एप्पल मैं अपने लिए कट करूँगी, एक एप्पल भी खाना है मुझे। अच्छा मेरे पास तो शॉपर बहुत सारी जमा हो जाती है, ठीक है, तो जब तक जमा नहीं होती है तब तक क्या करती हूँ, फ्रिज के साइड वाले हिस्से में डालती हूँ, और जैसे ही अच्छी मतलब 5-6 जमा हो जाती है ना, इकट्ठा हो जाती है ना शॉपर, तो फिर एक शॉपर में डाल के सारी छोटी बड़ी शॉपर एक ही इसमें बांध के रख देती हूँ। बहुत काम आती है शॉपर और मैं फेंकती नहीं हूँ। अच्छा मैं ना आज बिरयानी बनाने वाली हूँ, चिकन मलाई सीख बिरयानी बनाऊँगी और रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो इसके लिए मैंने जो है ना टोप निकाल के रखा हुआ है गैस पे, और अभी जो है ना मैं बालकनी में थोड़ा बैठूँगी क्योंकि हवा बहुत मस्त मस्त चल रही थी। आजकल हमारे यहाँ जो है ना मुंबई में मौसम बहुत अच्छा हुआ हुआ है, बारिश लगातार हो रही है। गाइस मैंने अभी जो है ना यहाँ पर 4 प्याज ले ली थी मीडियम साइज की, ठीक है, और एकदम बारीक चॉप कर लिया है मैंने प्याज को। ये बिरयानी राइस ये मैंने लिए है तकरीबन 1 kg, हाँ 1 kg यानी कि 1 किलो चावल है ये। सबसे पहला जो है ना मैं अभी एक काम करती हूँ, पहला चावल को धो के भिगो देती हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज और देख ले, ये है आलू, आलू मैंने कुछ इस तरह से लंबे लंबे कट किए हैं, ठीक है, ठीके? तो सारा प्रोसेस आप देखेंगे आगे। तो चावल मैंने अच्छे साफ कर लिए, अब इनको अच्छे से धो लेते हैं। तकरीबन ना मैं इसको आधा घंटा चावलों को भिगाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम है फिलहाल बिरयानी बनाने के लिए। इससे एक चीज़ ये होगी कि मेरा गैस भी कम जलेगा। इसको भी यही टाइम पे गिरना पड़ना था, ऐसे ही होता है जल्दी जल्दी काम को खत्म करने चाहूँ ना तो गिर पड़ हो ही जाती है मुझसे। अच्छा खासा लहसुन धोया हुआ था गिर गया, अब लगता है वापस से धो के लेना पड़ेगा लहसुन को। नहीं साफ करती हूँ पहले। अच्छा बिरयानी के लिए हरा मसाला मुझे पीसना होगा, तो मैंने हरी मिर्ची ले ली है, लहसुन ले लिया है, अदरक ले लिया है। लहसुन का छिलका नहीं निकालूंगी मैं, इसको ऐसे ही धो के कट कर लूँगी। ये रही सीख, चिकन की सीख है, बनी बनाई रेडीमेड लेकर आई हुई है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ गर्म मसाला निकाल कर ले रही हूँ, खड़ा गर्म मसाला जो है ना बिरयानी में डालूंगी, ठीक है। तो खड़े मसाले में ना सारे गर्म मसाले ले लेने हैं, ठीक है, एक भी मिस नहीं करना है। मतलब नॉर्मल गर्म मसाले जो होते हैं ना, जो ज़्यादा हार्ड नहीं होते, वो गरम मसाले लेने हैं, ठीक है। अच्छा ये रही सीख, इसको ना मैं 2 पीसेस में कट करके ले रही हूँ, और लगभग मैंने सारी सीख ले ली थी। और इसको जो है ना मैं भट्टी में डाल रही हूँ ताकि ये जो है ना अच्छे से सेके जाए। मैंने इसमें तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है, मतलब बिना तेल के सीख बहुत अच्छे से सेके जाएगी। अच्छा यहाँ पर बिरयानी की ग्रेवी बना रही थी मैं, कढ़ाई रख दी थी, उसमें तेल ले लिया था, खड़े स्पाइसेस मसाले डाल दिए, प्याज भी इसमें ऐड कर लेनी है, और प्याज को अच्छा फ्राई कर लूँगी ब्राउन होने तक के। ओ शिट, मुझे आलू फ्राई कर लेने थे पहले, लेकिन मैं भूल गई, मैंने प्याज और खड़े मसाले डाल दिए तेल में। कोई बात नहीं, आलू अभी डाल दूंगी मैं, ठीक है, आलू को प्याज के साथ फ्राई कर लूँगी, और फिर आलू जैसे ही फ्राई हो जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं आलू निकाल लूँगी साइड में, प्याज इसी में रहेगा। आलू को मैंने नमक लगा के पहले ही रखा हुआ था ताकि आलू फीके ना लगे इसलिए। और यहाँ पर हरा धनिया पुदीना भी चॉप करके ले रही थी। यहाँ पर बिरयानी का जो है ना व्हाइट सॉस तैयार करते हैं, तो मैंने ले लिया था तकरीबन 1 चम्मच ब्लैक पेपर, ठीक है, अंदाज़ा बता रही हूँ मैं अपना। मुझे ना मेजरमेंट करके खाना बनाने नहीं आता है बाबा, इसके लिए मैं क्या करती हूँ अपने अंदाजे से ही खाना बनाती हूँ, मतलब मेरा जो जजमेंट रहता है ना एकदम प्रॉपर होता है, ठीक है। अच्छा मैं इसमें ना फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ, मैंने ये पूरा एक डब्बा ले लिया था फ्रेश क्रीम का, और इसमें मैंने मेयोनीज ऐड की हुई हूँ, एक ग्लास है मेयोनीज, और मेयोनीज भी जो है ना मैंने अच्छे मतलब 4 से 5 चम्मच भर के कुछ लिए होंगे। और यहाँ पर देखिए आलू फ्राई हो गए थे, हाफ फ्राई कर लिए मैंने, ठीक है, पूरे भी फ्राई नहीं करने थे आलू को, आलू मैंने साइड कर लिए और प्याज इसी में है। अच्छा मेयोनीज के बाद मैंने ना इसमें 3 चम्मच दही के डाले, और बस ये तीनों चीज़ों को जो है ना मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छा मैंने क्या डाला था इसमें, मेयोनीज, दही और फ्रेश क्रीम, ब्लैक पेपर, ये चारों चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर सीख जो है ना चेक कर लेते, 15 मिनट हो गया है इस भट्टी में रखे हुए सीख को, तो सीख भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेकी गई है। ये देखिए बिना तेल के जो है ना मैंने सीख को सेका है, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल में, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। खैर यहाँ पर देखिए प्याज ब्राउन हो गई थी, इसमें मैंने ना पिसा हुआ मसाला डाला, ये वही मसाला है जो मैंने बनाया हरी मिर्ची अदरक लहसुन का, ठीक है, और बस इसको प्याज के साथ मिक्स करके मसाले को पकाया, और ये जो मैंने सॉस रेडी की थी ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली।
अच्छे से बर्तन क्लीन करके डालेंगे, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। और बस मसाले में इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेना है, पकाना है। अच्छा, ये ठीक लग रहा है ना आपको, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ, वो है दूध। दूध मैंने तकरीबन 1 कप भर के इसमें ऐड किया होगा, ठीक है, मैं अपना अंदाज़ा बता रही हूँ, जो कि कभी फेल नहीं होता है। अच्छा, नमक डाल दिया है मैंने, इसमें धनिया पाउडर मैंने 3 से 4 चम्मच धनिया पाउडर के डाले, और मैंने चिली फ्लेक्स डाली, कस्तूरी मेथी डाली हूँ, कस्तूरी मेथी का पाउडर डाला है मैंने, ठीक है। और बस मिक्स करके इसको फिर पकाना है अच्छे से, और इसमें मैं भी ऐड कर रही हूँ सीख, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है सीख, और इसके ऊपर मैंने धनिया पुदीना चॉप किया हुआ डाला है। सीख के साथ मसाले को अच्छे से मैं पका लूँगी, ताकि सीख का जो टेस्ट है ना वो ग्रेवी में आ जाए, या फिर कहो कि ग्रेवी का टेस्ट सीख में आ जाए। ढककर पकाना है अच्छे से, और ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी थी, तो मैं जो ना बिरयानी को दम देने के लिए क्या कर रही हूँ कि सबसे पहला ग्रेवी मैं टोप में डाल रही थी, और इसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी। सीख बिरयानी की जो ग्रेवी होती है ना, पतली होनी चाहिए, सूखी सूखी नहीं, ताकि बिरयानी जो है ना जब हम सर्व करेंगे तो बिरयानी का मसाला भी आए, और कैसा है कि ग्रेवी अगर थोड़ी पतली रही ना तो फिर अच्छा मसाला भी खाने को मिलता है। सूखा सूखा मसाला रहेगा ना तो फिर एकदम ही सूखी बिरयानी हो जाती, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। खैर, मैंने चावल डाल दिए थे, और सेम प्रोसेस है, कलर डाल दो, थोड़ा सा डेकोरेट कर दो। मैंने ये शिमला मिर्ची इसी कट करके डाली हूँ, और आलू फ्राई किए हुए मैं ऊपर से रखूँगी, और हरा धनिया पुदीना भी थोड़ा थोड़ा सा डाल दूंगी, और इसको लगभग 7 से 8 मिनट के लिए दम दे दूंगी बिरयानी को, और फिर उसके बाद इसको चेक करेंगे। तो एकदम स्लो फ्लेम पे रखना है, ठीक है, बिरयानी को। और ये देखिए, बिरयानी जो है 7 से 8 मिनट में नहीं, 10 से 12 मिनट में दम हुई अच्छे से, और यहाँ पर मैं मिक्स कर रही थी। और चलिए अभी इसको सर्व करते हैं। इसके साथ मैंने प्याज वाला रायता बनाया था, सिर्फ प्याज वाला रायता, ठीक है, प्याज में मतलब दही मिक्स की थी, और बहुत ही जूसी और टेस्टी बिरयानी बनी थी गाइस। अच्छा, एक बात और है कि मेरे को है ना चिकन सीख भी बनानी बहुत अच्छे से आती है, बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं, लेकिन मेरे पास फ्रोजन सीख थी तो इसी से मैंने बिरयानी बनाई। इंशाल्लाह अगर कभी मैंने नेक्स्ट टाइम कभी सीख बनानी चाही ना, तो मैं रेसिपी आपसे सीख की ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप ये ब्लॉग आपने फुल वॉच किया होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।